व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल चाल है आपके। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं केजीएफ चैप्टर वन के क्लाइमेक्स सीन के ऊपर। बहुत ही मजेदार और बहुत ही ताबड़तोड़ पिक्चर रही है अब तक ये जितनी भी देखी है। मैंने तो देख रखी थी, इसने देखी नहीं आज तक मूवी। तो अब क्लाइमेक्स सीन बहुत खतरनाक होने वाला, और जो ब्लाइंड मैन को बचाया था हैमर सीन में, बहुत इमोशनल था। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल पर है तो प्लीज सब्सक्राइब। केजीएफ मूवी ओपी जरूर लिख देना कमेंट में। और गाइस, और मूवीज आप सजेस्ट करो जिनके सीन्स पर रिएक्ट करना चाहिए। आप YouTube से सर्च करके बता सकते हो कि जो ऑलरेडी YouTube पे सीन्स अवेलेबल हो। तो बाकी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बता सकते हो, लेकिन हाँ भाई लाइक जरूर कर देना और चैनल पर तो सब्सक्राइब। 1 2 3 गो। यहाँ शॉर्ट सर्किट के वजह से पूरे नराची की बिजली चली गई है। सफेद लाइन के पास भी गार्ड्स बढ़ा दिए हैं। लाइट चली गई। छोटे सरकार के कमरे की तरफ जाओ। छोटे सरकार के कमरे के बाहर गार्ड तैनात किए हैं। हम सब लोग यहाँ से लेकर काली पूजा तक उनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं। ओवर। एस्कॉर्ट कर रहे हैं। कहाँ गया वो? भाग गया क्या? भाग गया क्या? पूजा वाली जगह पर वॉकी के सिग्नल कट जाते हैं। लोग ज्यादा है, सावधान रहना होगा। छोटे सरकार के आसपास परिंदा भी पर ना मार पाए। जाओ रक्षा करने। अगर रॉकी गरुड़ा को नहीं मारता तो लोगों की क्या हालत होती? वो है ना हमारी माँ। जय काली। यात्रा में मारेगा वो। यात्रा में क्या टेक लिया वो? शॉर्ट सर्किट सफेद लाइन के पास हुआ है सर। किसी ने कॉपर के तार को पत्थर से बांधकर बिजली के तारों पर फेंका है, जिससे नाराची का पावर डाउन हो गया है सर। बिजली जाने के 10 सेकंड के अंदर जीप और टॉर्च की लाइट्स ऑन कर दी थी। उन 10 सेकंड में हमारी नजर से बचकर किसी का सफेद लाइन को पार करके जाना नामुमकिन है सर। पूरे नाराची में सिर्फ एक ही टनल है जो सीधा महल तक जाता है। इतने लोग यार। जिसने भी शॉर्ट सर्किट किया भी तो उसको टनल से महल तक आने में बहुत समय लगेगा सर। लेकिन जब आपने सबको अलर्ट किया तो छोटे सरकार के कमरे के बाहर गार्ड खड़े किए और पूजा तक वो कड़ी सुरक्षा के साथ गए हैं। तो फिर वो गया कहाँ होगा? जैसे ही बिजली चली गई, यहाँ के भी सारे गार्ड छोटे सरकार के कमरे के बाहर पहुँच गए थे। आप फिक्र मत कीजिए सर, जब तक छोटे सरकार पूजा करके लौटेंगे हम पूरे महल की छानबीन करवा लेंगे। तब तक तो काम कर जाएगा। तब तक तो खत्म कर कैदियों को सामने लेकर आओ। उसका महल में घुसना नहीं था, यहाँ आने का था। रमन्ना पर। वो यहीं पर है। रमन्ना सिग्नल नहीं मिल रहा है। सब लोग पूजा की तरफ जाओ। जी सर, जी सर। सब सब बेस्ट टाइम पर सबकी तोते उड़ गया। जो ये सोचते हैं ना, उससे तो बहुत आगे हो।
रमना, रमना, वो यही है। बली, बली जरा ना ये, बली जरा। वो यही बार है रमन्ना, रमन्ना। बहुत पैसा दिखा रहे हैं इसमें कैरेक्टर। बहुत दर्द है सच में ऐसे देखो। क्या माहौल क्रिएट करा हुआ यार ये स्टेज पूरा, सेट पूरा। सान, वो जो तीन कैदी काल कोठरी में बंद थे, उनमें से एक वही मरा पड़ा है। ये जो अगला कैदी जो पकड़ रखा है ना, वही है। ये रार रॉकी, देखा? तीन कैदी थे तो उनमें से एक की जगह ही आ गए। खत्म। गायब। ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है, सबको साथ लेके मारा मारी करने निकला था। खुद तो बिगड़ा है, हमारे बच्चों को भी बिगाड़ रहा है। नहीं माँ, वो रोज स्कूल में तंग करता था माँ, इसीलिए उसको मारने गया था माँ। क्या टोली बनाकर मारने गया था? अकेले जा। हरे राम। मम्मी और दबंग। हाँ कुल कर नहीं। उसने मार दिया था। क्या कहा? फिर से कहो। कर्रा को मार दिया था। सबको खबर लग गई कि गरुड़ा मारा गया। सूर्यवर्धन ने चेतावनी दी थी कि गिद्ध इंतजार में है। हिंदुस्तान से खबर है, अगर कुछ लोग केजीएफ को मिटाने पर तुले हुए थे। मैडम, केजीएफ में भाई गरुड़ा मर गया तो और कुछ उसे हथियाने में। जब तक गरुड़ा जिंदा है मैं इस गद्दी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। मेरे भैया ने कहा था कि मुझे राजनीति नहीं आती, लेकिन लोगों को ये खबर नहीं थी कि किसी और के कदम वहां पड़ चुके थे। इसके लिए ढोल बजाया। पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। एंड्रूज ने जब उसे लॉलीपॉप की तरह बंबई देने का लालच दिया, रॉकी के लिए वो समंदर तालाब से भी छोटा हो गया। जिस समंदर की तलाश रॉकी को थी वो बंबई में नहीं था। गरुड़ा को देखने के बाद उसे समझ में आ गया कि हियर इज अ मैन हु कम्स फ्रॉम दैट पावरफुल प्लेस। इसलिए मौका मिलने पर भी उसने उसे तुरंत नहीं मारा, छोड़ दिया। केजीएफ को हासिल करने के लिए उसे एक सेना की जरूरत थी। गन ऑलरेडी थी उसके पास, एक और वहां तो गिर गई थी ना सबके सामने। मन में डर को मार दिया था, अब वो सब उसकी सेना बन गए थे। उसकी सेना बन गए थे। चार सौ गार्ड्स बंदूक हाथ में लेकर वानरम के कहने पर मारने को तैयार थे, तो 20,000 लोग जिनको हिम्मत आ चुकी थी रॉकी हाँ। के इशारे पर मरने को भी तैयार थे हाँ। हाँ। अगर तुम में हिम्मत हो कि 1,000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हो तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर 1,000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके सामने खड़े हो तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। जा, अकेले जा। समझा, वो जो मूर्ति वाला सीन था उसके पास गन थी एक और था। मारा नहीं उसने। असली कहानी। I am enforcing the army and signing a death warrant of the biggest criminal in India. अब शुरू होगी। अब शुरू होगी अगले पार्ट में।
बिगेस्ट क्रिमिनल ऑफ इंडिया इसको, अच्छा ये वो बन गया ना सबसे ज्यादा पावरफुल। और ये देखा जब उसमें दिखाया था, वहां तो दिखाया था कि गन गिर गई मार नहीं पाए, लेकिन उसके पास ऑलरेडी गन थी, उसमें जानबूझ के नहीं मारा उसको। उसने कहा था कि जब सबके सामने, उसकी मम्मी ने कहा था जब सबके सामने तुम एक स्टैंड लोगे और जब तुम बदला लोगे तब लोगों में जो जुनून आपके लिए होगा ना, जो वो तुम्हारे पीछे खड़े होंगे फिर, तो पहले उनको प्रूव करो। बहुत ही बढ़िया मूवी यार, नेक्स्ट लेवल थी है। और अभी तो शुरुआत है के चैप्टर। मैं फिर भी अभी तो मैंने रिएक्शन पार्ट्स में देखी है ना, मैं फिर भी एक बार पूरी देखूंगी जब टू आने वाली होगी ना। जैसे मैंने वो ऐसी बाहुबली ऐसी देखी थी, जैसे फिर जैसे आने वाली थी ना, नहीं इसमें रिएक्शन में जब मूवी सेकंड पार्ट आने वाला था ना, उससे 3-4 दिन पहले देखा ताकि ज्यादा वेट ना करना पड़े। ये मूवी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े और जिस हिसाब से लगा है ना, उस हिसाब से मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अभी तो इस पार्ट में दिखाया है कि उसने एक तरह से कब्जा किया, उसने पूरा अपना किंगडम जैसा वो कर लिया। मेरे को लग रहा है जैसे डॉन मूवी का वो हो गया था ना, इसका भी पार्ट से आ सकते हैं, सेकंड में शायद ना खत्म हो, क्योंकि अभी तो जस्ट इतना दिखाया कि इसने पूरा कवर रहा नहीं जाता और पार्ट में पार्ट में मुझे लग रहा है ऐसा। लेकिन हैट्स ऑफ टू यश फॉर सच एन अमेजिंग एक्टिंग। और जो ये जो सेट तैयार था ना फिर ये क्लाइमेक्स सीन के लिए, क्या सेट तैयार किया था, वो तो ऐसा डरावना, सच में डरावना, बहुत स्केरी सीन था। क्या प्लानिंग करी भाई साहब, वहां पहुंचा वो कैदी, बढ़िया मूवी है। कैदी तीन कैदी लाने थे ना बलि के लिए, उनमें उस एक की जगह लेकर वहां पर आकर जो खत्म करवा, हर जगह फोन चले गए, कितनी प्लानिंग बिठा रखी थी, ऐसे नहीं करेगा 10 मिनट में 10 सेकंड में, ये नहीं कर सकता, उसने सब कर दिया भाई साहब। उसने कहा कि मैं दिमाग कैसे लगाया बिल्कुल उसके सामने, ताकि मौका ही ना मिले बचाने का, सीधे उड़ा दी। और ये गूज़बम्प्स वाला मोमेंट था जब सारे लोग उसके पीछे खड़े हो गए कि 400 लोग हथियार लेके आएंगे तो 20,000 लोग यहाँ खड़े हैं, भाई साहब आओ दम दिखाओ। तो बाकी और मूवीज आप सजेस्ट कर सकते हो जिन पे हमें रिएक्ट करना चाहिए। जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी और वीडियोज आप लोग के लाते हैं। बाय बाय, टेक केयर।